हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनास किचन। आज हम बनाएंगे सुपर। यहाँ पर मैंने उड़द दाल को ओवरनाइट भिगोकर ले लिया है। ये देखिए, हमारी उड़द दाल कम से कम 4 से 6 घंटे तक हमें भिगोनी चाहिए, जिससे ये फर्मेंट हो जाए। ये गर्मियों में तो 4 से 6 घंटे में ही फर्मेंट हो जाएगी। अगर सर्दियाँ हैं तो आप इसे ओवरनाइट भिगो कर रखें। अब मैं यहाँ पर इसका पानी निकाल लूँगी एक स्ट्रेनर में। ये देखिए, दाल को हमें बिल्कुल अच्छे से पानी निकाल कर ही पीसना है और इसे हम बिल्कुल दरदरा पीस लेंगे। दाल को हमने इस तरह से इतना टाइट पीस लेना है, इसमें हमें पानी नहीं डालना है। ये देखिए, इस तरह से ये दरदरा। अब हम इसे एक बड़े परात में इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए, दाल को हमने इस तरह से पीस लिया है और एक परात में डाल दिया है इसके पेस्ट को। अब हम क्या करेंगे कि इसे इस तरह से एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए इसे 10 मिनट के लिए हमें इसी तरह से करते हुए इसमें चलाना है। इसे हम इसलिए फेटेंगे क्योंकि इसके अंदर एयर आ जाए और ये पेस्ट हमारा हल्का हो जाए। ये देखिए, हमने इसे 10 मिनट तक इस तरह से फेंट लिया है। ये देखिए, हमारा दाल का बैटर कितना स्मूथ हो गया है। ये इस तरह से होना चाहिए। और अब हम इसे चेक करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बोल में पानी लिया है और यहाँ पर इसमें डाल के देखेंगे बैटर। अगर ये ऊपर आ गया तो समझेंगे कि हमारा बैटर रेडी है तलने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा बैटर ऊपर आ गया है, इसमें एयर। ये देखिए, अब हम यहाँ पर इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, 3-4 हरी मिर्चें डाल देंगे और ये अदरक को मैंने कद्दूकस करके ले लिया है, थोड़ा सा इसे डाल देंगे। और हम इसमें नमक नहीं डालेंगे। इसे इस तरह से हमें हाथों से ही मैश करना है। इसमें बेकिंग पाउडर भी नहीं डाला है, बिना बेकिंग पाउडर के ही। ये देखिए, यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है, इसे हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम टू लो ही रखेंगे। और इस तरह से अपनी उंगलियों को पानी में डिप करके इस तरह से आप चाहे तो किसी भी साइज में इसे बना सकते हो, छोटे बड़े अपने हिसाब से रख सकते हो। ये देखिए, जब हमारे बड़े 50% तक फ्राई हो जाए तब हमें यहाँ पर पानी में अपनी उंगलियों को डुबोकर इसमें इस तरह से छींटा मारना है। इससे होगा ये कि हमारे बड़े ज़्यादा ऑयल को नहीं सोखेंगे। ये देखिए, हमारे वड़े फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे।
हमारी वड़े फ्राई होते हैं, और जो ये हमारे फ्राई हो चुके हैं इन वड़ों को हमें पानी में डालना है तुरंत ही। तो चलिए, एक लीटर पानी ले लिया है, हमें पानी को ठंडा नहीं लेना है, गुनगुना करके लेना है। और यहाँ पर 1 पिंच ऑफ हींग डाल दूंगी मैं, 1 टीस्पून काला नमक, और यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे। और इस पानी में से अच्छे से मिक्स करके ये वड़े डाल देंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारा पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, गुनगुने पानी में ही हमें लेना है। से अच्छे से हम इस तरह से डिप कर, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन सभी वड़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इन्हें कट करके दिखाऊंगी, ये कितने अच्छे से सॉफ्ट अंदर से बने हैं, कितनी अच्छी इसमें जाली आई है, ये देखिए। ये देखिए, 10 से 5 मिनट तक हमने इसे पानी में डिप करके रख दिया था। अब चलिए इन्हें सर्व करते हैं। इस तरह से वड़ों को हमें दबा के इनका पानी हल्का सा निकालना है, ज़्यादा पानी इनका नहीं निकाल। यहाँ पर अब हमें इसमें दही डाल, ये देखिए यहाँ पर मैंने दही को में 2 से 3 चम्मच चीनी डालकर ले लिया है। यहाँ पर मैंने हरी चटनी बनाकर रखी हुई थी, वो डाल देंगे। हरी चटनी और लाल चटनी की रेसिपी अगर आप देखना चाहें तो मेरी पिछली वाली वीडियो में जाकर देख सकती हैं, मैंने टिक्की के साथ दोनों चटनियों की रेसिपी शेयर की है। अब यहाँ पर मैं गुड़ और इमली की चटनी डाल दूंगी। थोड़ा सा काला नमक स्प्रिंकल कर देंगे। एक पिंच काली मिर्च, पूरी लाल मिर्च डाल दी है। तो कद्दूकस करके गार्निश करने के लिए डाल दी, धनिया पत्ती डाल देंगे। हमारे दही बड़े सुपर सॉफ्ट बने, उसके लिए हमें 2 टिप्स को फॉलो करना है। एक तो जब हम दाल को मिक्सी में पीसते हैं तो उसमें पानी नहीं डालना है, और जब हम इन्हें इसे बीट करते हैं अच्छे से हाथों से हमें बीट करना है, और इसमें एयर बबल आने चाहिए। और दूसरा, जब हम इनको फ्राई करते हैं तो फ्राई करते टाइम हम जब वड़े डालते हैं तो उसके तुरंत बाद हमें पानी की छींटे मारने हैं, जिससे कि हमारे वड़े ज़्यादा तेल को ऑब्जर्व ना। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी दही बड़े की रेसिपी बनकर तैयार है। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं ये देखिए। अगर आपको मेरे दही बड़े की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट।